नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं उस्ताद असगर हुसैन साहब, और वायलिन की दुनिया का बहुत जाना माना नाम, वायलिन की दुनिया का बहुत एक ऐसा नाम जिसको कहा जाए कि शास्त्रीयता के तमाम जो पहलू होते हैं उनको समेटे हुए, लेकिन कुछ नया करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिस बारे में हम अभी बात करेंगे आगे, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करते हैं कि उस्ताद जी कैसे, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सुरेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के लिए याद किया। आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू। नहीं, खैर, आपने समय निकाला, ये बड़ी बात है। हम तो आप जैसे गुणी कलाकारों के हम लोग मुरीद हैं, और बात करने का थैंक मौका यू। मिलता है तो अपना सौभाग्य ही समझते हैं। उस्ताद जी, अरे सबसे अरे, पहले शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से आपका सफर शुरू हुआ, यानी किन किस तरह का माहौल घर में था और कैसे जी आपने सीखना शुरू किया वायलिन? अच्छा। माहौल तो घर में ये था कि कलाकारों के घर में पैदा हुआ मैं। मेरे पिताजी बड़े प्रसिद्ध तबला वादक रहे अपने समय के, उस्ताद अनवार हुसैन खान साहब, जिन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में 40 साल सर्विस की है। और उस जमाने के जितने भी टॉप मोस्ट आर्टिस्ट थे, कुछ नाम जरूर मैं उसमें मेंशन कर दूं, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, तलत महमूद जी, मन्ना डे जी, उस दौर में उन सबके साथ मेरे पिताजी रेगुलर परफॉर्म किया करते थे। तो ऐसे माहौल में मैं घर में पैदा हुआ जहां संगीतमय माहौल पहले से ही बना हुआ था। और क्योंकि घर में तबला बजता था तो बचपन से तबला सुनते थे, तो तबला सुनने के साथ साथ ये भी मन होता था कि कभी हम भी तबला बजाएं। लेकिन मेरे पिताजी को शायद ऐसा महसूस होता था, उस समय की बात है ये, आज तो खैर तबला बहुत पीक पे आ चुका है, लेकिन उस समय मेरे पिताजी को ऐसा लगता था कि भाई ये तबला है ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, ये लीडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि अगर मेरे बेटे आर्टिस्ट बने तो वो लीडिंग आर्टिस्ट बने, अकम्पनीमेंट ना करें। तो मैं छोटा सा था, तबला बजाया करता था अपने घुटनों पे, अपने फादर को देख के अपने घुटनों पे तबला बजाने की कोशिश करता था। तो मेरी मदर उनसे कहती भी थी कि भाई इसको शौक है, आप तबला सिखाओ। तो वो ये कहा करते थे, कहने लगे भाई तबला नहीं सिखाऊंगा मैं इसको, बाकी अगर ये म्यूजिक में आना चाहता है तो जो ये कहेगा वो सिखाऊंगा, लेकिन तबला नहीं सिखाऊंगा। ये घर का माहौल था। तो हम अपने पिताजी के साथ बचपन से ही रेडियो स्टेशन जाया करते थे। तो रेडियो स्टेशन में बहुत सारे गुणी लोग थे जो वायलिन बजाते थे वहां, काफी मेरे ख्याल 8-10 लोगों का स्टाफ था जो सिर्फ वायलिनिस्ट थे। तो उनको देख के मैं वायलिन की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता था, यार ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा छोटा सा भी है, बड़ा वेट में भी हल्का फुल्का सा है, और इसको यहाँ गर्दन पे रख के और उल्टा करके बजाते हैं, ये कुछ अजीब सी चीज़ है। तो और साउंड बड़ा अच्छा निकलता है, तो उसका साउंड भी मुझे अट्रैक्ट करता था। तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा जी मेरा ख्याल ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मुझे नाम भी नहीं मालूम था कि इसको वायलिन कहते हैं। मैंने कहा जी ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, मुझे ये सिखाइए आप। तो कहने लगे तुम्हें पता है इसको क्या कहते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सुनने में। कहने लगे बेटे ये वायलिन है, ये सुनने में जितना अच्छा है सीखने में और बजाने में उतना ही मुश्किल है। तो अगर तुम कर पाओ तो हम तुम्हारा वायलिन का सिखाने का कुछ इंतजाम करें, और अगर नहीं हो सकता तो छोड़ो फिर कुछ और करेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, छोटा सा है, खेल खेल में सीख जाऊंगा। तो बस इत्तेफाक की बात, वहां से फिर वो वायलिन सीखने का सिलसिला मेरा शुरू हुआ। मेरे ख्याल उस समय मेरी एज थी शायद 11-12 साल की, तब मैंने वायलिन पहली बार हाथ में लिया था। और जो मेरे पहले गुरु, तो मैं वैसे अपने पिताजी को ही मानता हूँ, क्योंकि संगीत घर में था तो और कुछ नहीं तो कम से कम ताल का ज्ञान वो हमें देते थे, सिखाते थे।
होता क्या था कि संडे को मेरे पिताजी की छुट्टी होती थी रेडियो स्टेशन से, तो हम सुबह सुबह, हम चार भाई थे, तो हम तीनों चारों छोटे छोटे थे, तो जाके उनके उनके बिस्तर पे उनके पास लेट जाया करते थे। तो वो खेली खेल में हमें ये सिखाते थे कि 16 मात्रे कैसे गिने जाते हैं, और 16 मात्रे का ताल चल रहा है तो उसमें 12 मात्रे कैसे किए जाते हैं। 16 मात्रे चलता रहे जी और जी बारह जी मात्रे उसमें फिट आता रहे, ये खेल खेल में वो हमको सिखाया करते थे। और फिर हमसे कहते थे कि हाँ जी समझ में आ गया तो जरा सुनाओ अब। तो अब जितना भी हमको समझ में आता था तो हम करने की कोशिश करते थे। तो उससे क्या हुआ कि जो लय पक्ष है संगीत का वो हमें बचपन से मिलना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद में वायलिन की शिक्षा शुरू हुई, तो इसलिए मैं सबसे पहला गुरु मैं अपने पिताजी को ही मानता हूँ। उसके बाद रामपुर से उस्ताद गौहर अली खान साहब, वो भी आकाशवाणी दिल्ली में थे, बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, मेरे पिताजी उनके पास ले गए, वहां से मेरी तालीम शुरू हुई वायलिन सीखने की। तकरीबन 1-1.5 साल उनके पास मैंने सीखा, और उसके बाद में मैं दिल्ली घराने से जुड़ा। दिल्ली घराने के प्रसिद्ध वायलिन वादक, बल्कि वायलिन विजर्ड कहूँ तो गलत नहीं होगा, उस्ताद जहूर अहमद खान साहब से मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, जो बहुत बरसों तक चला। और मेरे गुरुजी की डेथ हुई करीब 1990 में, उस्ताद जहूर अहमद खान साहब की डेथ हो गई 1990 में। तो उसके बाद उनके बड़े बेटे जो कि ख्याल गायक, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, आपने नाम जरूर सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब बहुत बड़े गायक, हालांकि अभी 2 साल पहले उनका भी निधन बड़ा हो ही गया। मतलब जी, बहुत असमय उनका भी निधन हो गया था। जी आप जी, बताएं। तो उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब के चरणों में मैंने बैठना शुरू किया। हालांकि उससे पहले इकबाल खान साहब के साथ मेरा एक दोस्ती जैसा रिलेशन था, लेकिन जब मेरे गुरुजी उस्ताद जहूर अहमद खान साहब का स्वर्गवास हुआ तो मुझे ये लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, किससे सीखूं, अगर मैं कहीं और जाऊंगा तो शैली बदल जाएगी, घराना बदल जाएगा, काफी चीजें चेंज होंगी, तो उतनी जल्दी अडेप्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बड़ा असमंजस में था। तो एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था इकबाल खान साहब के पास, तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है और मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि मेरी तालीम का सिलसिला रुक गया है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। तो वो कहने लगे, देख भाई बात सुन, मुझे वायलिन तो बजाना आता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर मालूम है कि मेरे पिताजी, क्योंकि बरसों से मैं उनको देखता रहा हूँ वायलिन बजाने का, और तुम्हें टेक्निक काफी हद तक आ गई है वायलिन की, तो तुम मेरे पास बैठा करो। उनके पास बैठना शुरू हो गए, और जब तक वो जीवित रहे, 2020 में उनका स्वर्गवास हुआ है, तब तक मेरी तालीम का सिलसिला, दीक्षा शिक्षा उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब के साथ चलती रही। तो इस तरह से जो मेरे गुरु जी है, मेरे पिताजी, फिर उस्ताद गौहर अली खान साहब, फिर उस्ताद जहूर अहमद खान साहब, फिर उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब। बहुत ही तो मेरे बजाने में अगर आप लोगों को गायकी शैली अगर नजर आती है तो वो जरूर उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब की देन है और मेरे सब घराने की देन है। बिल्कुल, और इसके लिए तो खैर आप जाने भी जाते हैं कि मतलब बकायदा कई बार तो फरमाइशें ठुमरी की भी हो जाती हैं आपसे, वायलिन पे की ठुमरी सुना दीजिए। तो जी खैर जी 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 उस पर भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे जरा ये भी बताइए कि जब आपने पिताजी से कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट ठीक लग रहा है सीखने के लिए, हल्का भी है जी और बड़ा सुंदर भी लग रहा है, और जी सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू हो गया, फिर आप गुरुओं से भी जी सीखने लगे, तब कभी जी जी पिताजी ने आपके उस फैसले को लेकर कहा कि हाँ ठीक फैसला था तुम्हारा वायलिन चुनना, या कभी पीठ आके थपथपाई हो कि हाँ बेटा तबला नहीं सीखा, एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखा लेकिन अच्छा सीख रहे हो, या बिल्कुल सख्त जी गुरुजी और जैसे उस्ताद लोग होते हैं और अब्बा भी रहे कि मतलब बिल्कुल जी तारीफ नहीं जी करनी है, जी बच्चा बिगड़ जी जाएगा, जी जी तो क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था कि वो मेरे सामने कभी ये उन्होंने नहीं कहा कि भाई तू ठीक बजा रहा है या अच्छा बजा रहा है, कभी ऐसा नहीं होता था।
अच्छा, जब थोड़ा बहुत हाथ चल पड़ा और दो चार राग हमने कर लिए थे और सीखना शुरू हो गया था, तालीम का सिलसिला अच्छा हो गया था, तो फिर वो मुझे अपने साथ रियाज कराते थे। वो तबला लेके बैठते थे और हम वायलिन के साथ उनके साथ रियाज करते थे। तो उस बीच में वो हमें कुछ छंदकारियां सिखाते थे और कुछ तिहाइयां सिखाते थे। देखो बेटा, ये 16 मात्रे में तिहाई ये इस मात्रे से ऐसी आएगी, इन 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 तिहाइयों को सुरों में फिट करो, कैसे होगा। तो दिक्कत होती थी, समझ में नहीं आता था, लेकिन हम कोशिश करते थे कि भाई जो ये चाहते हैं हम ऐसा करें। तो होता क्या था कि तिहाई याद हो गई और उसको हमने सुरों में भी फिट कर लिया। अब 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हाँ भाई, वो जो परसों तिहाई सिखाई थी जरा सुनाओ। तो अब भूल गए हम, अब हमें याद नहीं है तिहाई। फिर पिटाई होती थी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि वो रियाज कर रहे हैं और मैं उनके साथ बैठा हूँ रियाज करने के लिए और मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो तबले की जो हथौड़ी होती है वो हथौड़ी लेके मेरे पैर पे मार दिया करते थे। तकलीफ होती थी बहुत, लेकिन ये जरूर होता था कि मार पड़ते ही वो तिहाई याद आ जाती थी। ये बड़ा कमाल था कि अगर उन्होंने हल्के से चांटा भी मार दिया या वो हथौड़ी भी मार दी तो फौरन वो तिहाई याद आ जाती थी कि अच्छा ये है। तो उनको ये लगता था कि ये भाई लड़का कुछ ना कुछ कर जाएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो वक्त आया कि उनके रहते रहते, मेरे पिताजी का 92 में स्वर्गवास हुआ, तो उनके रहते रहते मैं काफी दुनिया घूम चुका था, काफी जगह परफॉर्मेंसेस हो चुके थे, काफी न्यूज़पेपर्स में मेरे रिव्यूज और मेरे फोटोज आ चुके थे। तो बड़े खुश होते थे, मुझसे कभी नहीं कहते थे वो, जैसे आपने अभी कहा, मुझसे कभी नहीं उन्होंने ये कहा कि भाई तू सही कर रहा है, लेकिन हमारी माँ से जरूर कहा करते थे। कहते भाई मुझे अफसोस नहीं है कि इस लड़के ने वायलिन का फैसला किया, मुझे खुशी है कि इसका डिसीजन सही था और ये सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन उनका एक और कहना था, कहने लगे भाई अगर तुमने वायलिन सीखना है तो वायलिन क्योंकि विदेशी इंस्ट्रूमेंट है तो तुम्हें इसमें वेस्टर्न भी सीखना चाहिए, समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो ये कहते थे कि वायलिन अगर सीख रहे हो क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, तो ये इनकम्प्लीट रहेगा जब तक तुम वेस्टर्न नहीं सीखोगे, तो तुम्हें वेस्टर्न भी सीखना चाहिए। तो उस जमाने में 1980 की बात बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली में उस जमाने में वेस्टर्न म्यूजिक सीखना बड़ा मुश्किल काम था। तो वो लोगों से पूछते रहे कि भाई कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा स्कूल हो जहां वेस्टर्न म्यूजिक सिखाया जाता हो। तो किसी ने उनको बताया कि जी दिल्ली में चाणक्यपुरी मालचा मार्ग पे एक स्कूल है जिसको कहते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक, वहां वेस्टर्न म्यूजिक सिखाया जाता है। तो वो गए वहां पे और वहां जाके उन्होंने सारी डिटेल्स लिए और वहां मेरा एडमिशन कराया उन्होंने। तो तकरीबन 3 साल मैंने वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा। जब मैं वेस्टर्न म्यूजिक सीखता था और साथ साथ मेरी ये इंडियन म्यूजिक की भी तालीम चलती थी उस्ताद जहूर अहमद खान साहब के साथ, तो जब उनको ये पता लगा कि मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखने लगा तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। उस्ताद जहूर अहमद खान साहब को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई बात सुनो, ये दो नाव में जो तुम सवार हो रहे हो, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, फैसला करोगे तुम्हें वेस्टर्न करना है या इंडियन करना है। अब गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनको क्या जवाब दें। तो मेरे गुरुजी भी, उस्ताद जहूर अहमद खान साहब भी मेरे पिताजी के साथ रेडियो में ही थे, कुलीग भी थे आपस में और एक भाईचारे का रिलेशन भी था। तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि देखो भाई ऐसा है, तुम या तो इसको वहां भेजो या तो मेरे पास भेजो। तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि देखिए ऐसा है, जो आप सिखाते हैं ये आपके सीखे हुए को रियाज करता है और जब आपके पास अगले दिन जाता है तो आपको सुनाता है, आपको ठीक लगता है कि हाँ जी ठीक लगता है। कहने लगे उसमें कोई कमी लगती है कि नहीं, कोई कमी नहीं लगती। तो कहने लगे फिर आप भी चलते रहें और वो भी चलते रहें, दोनों चीजें चलती रहें साथ तो साथ, हो सकता है आगे जाके ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन बन के इसके बहुत काम में आए। और वही हुआ जो मेरे फादर की प्रिडिक्शन थी। फिर वो भी समय आया कि लाइट म्यूजिक एक जमाने में मैंने बहुत बजाया, स्टूडियो वर्क मैं बहुत साल से करता चला आ रहा हूं, आज भी करता हूं।
लेकिन अगर मैं वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सीखता तो मैं शायद स्टूडियो वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक में वायलिन पकड़ने का ढंग अलग है, इंडियन में वायलिन पकड़ने का ढंग अलग है। अच्छा, वेस्टर्न म्यूजिक में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग में भी, इवन बॉलीवुड में भी आप देखें कि 50-50 वायलिन एक साथ मिलके बज रहे हैं, तो वो जब ही मिलके बजा पाते हैं जब वो नोटेशन पढ़ पाते हैं। तो बिल्कुल मुझे वेस्टर्न म्यूजिक सीखने से थोड़ी सी ये एडवांटेज हुई। और उनका ये भी था कि भाई अगर तुम वायलिन बजाओ तो फिर तुम्हें कंपोजर भी बनना है, तुम म्यूजिक डायरेक्टर भी बनो, तुम अरेंजर भी बनो। तो ऊपर वाले की कृपा से वो सब कुछ हुआ, जो वो चाहते थे वो सब अल्लाह ने करवाया, उसकी मेहरबानी। और मैं ये सब भी साइड बाय साइड करता रहता हूँ। आप अभी जब कह रहे थे कि वो हथौड़ी से कभी कभी पिटाई हो जाती थी, तो मुझे वो रामकुमार जी याद आ गए, वो छन्नू लाल जी के बेटे जो हैं और तबला बहुत खूबसूरत बजाते हैं। एक जी, अभी बिल्कुल बिल्कुल। इसी इसी इंटरव्यू में, सीरीज में उनसे बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि बल्कि अब तो कई बार लगता है शिवेंद्र भाई कि 5-6 थप्पड़ बचपन में और पड़ गए होते तो थोड़ा और अच्छा सीख गए बिल्कुल होते। तो मैंने कहा बिल्कुल, नहीं, बात यही है, बात यही है, उन्होंने सही कहा। क्योंकि एक उम्र के बाद ये समझ में आता है, मैं, बचपन अच्छा में तो मेरा बुरा लगता है। मेरा अगला सवाल इसी बात से था जहां पर अभी आपने अपनी बात खत्म की। आपने जी कई ऐसी जगहों पर जाकर विस्तार से बच्चों को ये समझाया है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक में वायलिन, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में किस तरह से संगीत का फर्क है, किस तरह से तंत्रकारी का फर्क है। जरा बताएं हम लोग को भी कि ये क्या फर्क है, ताकि जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो भी समझ सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज में जा जाके जी ये जी लेक्चर डिमोंस्ट्रेशन किए हैं ताकि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो वेस्टर्न म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं उनको लगता है कि वायलिन तो सिर्फ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि वायलिन में सिर्फ इंडियन बज सकता है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा और मेरे गुरुजनों का, मेरे पिताजी का आशीर्वाद कि मैं इन दोनों चीजों को संभाल पाया, तो मैं उसकी डिफ्रेंशिएट करके समझाता हूँ उनको कि वेस्टर्न म्यूजिक में क्या फर्क है और इंडियन में क्या फर्क है। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न म्यूजिक में जो नोट्स हैं, सुर लगाने का जो तरीका है, वो बहुत खड़े खड़े स्वर लगते हैं, क्योंकि उनकी शैली वही है। हमारा जो इंडियन स्टाइल जो म्यूजिक है वो सारा का सारा गायकी बेस्ड है, तो उसमें मींट गमक का काम बहुत ज्यादा है। तो वो मींट गमक की टेक्निक और फिर वो स्टैंडिंग नोट्स की टेक्निक, वो दोनों बहुत अलग साउंड भी करते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है वायलिन हाथ में लेना पड़ेगा, जी जी जरूर, तो क्योंकि सवाल आपने ऐसा पूछ लिया कि ये बगैर बजाए क्लियर होगी नहीं बात। जी देखिए, जब हम वेस्टर्न बजाते हैं तो वेस्टर्न म्यूजिक के लिए हमें वायलिन को ऐसे होल्ड करना पड़ता है चेयर पे बैठ के, और जब हम इंडियन क्लासिकल बजाते हैं तो हम उसको ऐसे नीचे रख लेते हैं और राइट जो हमारा पैर है उस पे हम इसको टिका देते हैं। उससे क्या होता है कि हाथ का मूवमेंट फ्री हो जाता है, मींट गमक बजाने में आसानी हो जाती है। तो मिसाल के तौर पे अभी छोटी सी बात, सपोज हम यमन बजा रहे हैं इंडियन स्टाइल में, तो एक झलक हुई। अब अगर इसी फ्रेज को वेस्टर्न वाले बजाएंगे, जो स्वर मैंने बजाए हैं ये जहन में रखिएगा, जी जी तो वो जरूर, कैसे बजाएंगे? टोनल क्वालिटी भी बदल गई बिल्कुल और नोट्स का एप्लीकेशन भी बदल गया। उसी तरह से अब मींट का, गमक का काम हो रहा है। अब गमक वेस्टर्न म्यूजिक में नहीं है, तो अब वो गमक को कैसे यूज करते हैं, उनके यहाँ गमक है नहीं। ये जो फर्क है, ये फर्क मैं जब ही समझ पाया जब मैंने वेस्टर्न म्यूजिक सीखा।
और ये फर्क नहीं हम तो समझ पाए जब आपने भी बजा के दिखाया, वरना अगर अभी आप ये बताते तो संभवतः संगीत के जानकार लोग हैं वो तो समझ जाते कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जो रॉ लोग हैं जिनको शौक तो है सुनने और समझने का लेकिन जी, जानकारी नहीं है, ये आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए कि आपने बजा के हमें बता दिया। नहीं ये बात बगैर बजाए क्लियर समझ होती नहीं है, क्लियर जी 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 होती नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं। अच्छा, वेस्टर्न म्यूजिक में बोइंग के बहुत सारे नाम होते हैं। हमारे इंडियन म्यूजिक में गस चलाने का कोई नाम नहीं है। इंडियन म्यूजिक में गस सीधा चलता रहता है, उसको कोई नाम नहीं दिया गया। वेस्टर्न म्यूजिक में हर बोइंग को एक अलग नाम दिया गया है, क्योंकि वो उनकी टेक्निक के लिए जरूरी है। जैसे अब इंडियन म्यूजिक में हम बजा रहे हैं, सपोज आलाप बजा रहे हैं हम, तो वो हमारा गज जो है बिल्कुल सीधा चलता है। सारंगी में भी ऐसा है, जितने भी बो के इंस्ट्रूमेंट हैं। जी अब ये जो बोइंग है, वेस्टर्न म्यूजिक के टर्म में इसको बोलते हैं सेलर बोइंग, सेलर। लेकिन इंडियन बोइंग में इसका कोई नाम नहीं है। अब हम फास्ट वर्क जब बजाते हैं इंडियन में, तो जी बोइंग की पोजीशन कुछ और हो जाती है। इस बोइंग का इंडियन में कोई नाम नहीं है, वेस्टर्न में इसका नाम है। इस बोइंग को कहते हैं डिटैच बोइंग। ये टेक्निक है। इसी तरह से वेस्टर्न म्यूजिक में एक और बोइंग होती है, उसको हम स्टकाटो बोइंग बोलते हैं उसको, स्टकाटो। उसका बजाने का ढंग यह है। ये एक बोइंग का स्टाइल है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों चीजें सीखने से मुझे बेनिफिट ये मिला कि जब मैं परफॉर्म करता हूं तो मैं दोनों चीजों को ब्लेंड कर दिया करता हूं कई बार, और मेरी जो परफॉर्मेंस है फिर वो दूसरों से थोड़ी सी अलग हो जाती। इसीलिए श्रोताओं को आप झूमने पर मजबूर भी करते हैं, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट, जैसा मैंने शुरुआत में आपके परिचय में इसीलिए कहा था कि बिल्कुल विशुद्ध शास्त्रीय संगीत की जो गहराई है वहां तक भी ले जाते हैं, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न क्लासिकल के रंग हैं वो रंग जब समाहित हो जाते हैं तो फिर बात जो है वो थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और रंगीन हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, खुशबू और बढ़ जाती है संगीत की। मुझे मुझसे ये कृपा है बताइए, ऊपर वाले की। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये भी बताइए उस्ताद जी कि आप वॉयलिन जो है उसके सोलो इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम भी करते हैं और जी संगत में भी आप जाया करते हैं। अब जी ये जी तो मैं बहुत से लोगों से पूछ चुका हूं और इसका तो थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि संगत बजाते वक्त और सोलो बजाते वक्त का फर्क क्या होता है, लेकिन जी आपसे मैं वॉयलिन के ऊपर जो सवाल मेरा है वो ये कि किस तरह के कार्यक्रम ज्यादा आते हैं, मतलब आपके पास जो देश विदेश में इतने कार्यक्रम आपने किए हैं, वॉयलिन जी लोग ज्यादा सोलो के लिए इनवाइट करते हैं या ज्यादा संगत में आप जाते हैं? सुरेंद्र भाई, बात क्या है कि आज से 30 साल पहले तक मैं इंडिया के हर लीडिंग आर्टिस्ट के साथ, गजल के स्पेशली, जी इवन पाकिस्तान के भी, रेगुलर अकम्पनीमेंट किया करता था। रेगुलर सोचिए आप, अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब के साथ, चंदन दास जी के साथ, हरिहरन जी के साथ, इस टाइप जगजीत जी के साथ, इन लोगों के साथ रेगुलर अकम्पनीमेंट किया करता था। तो अकम्पनीमेंट के ही ऑफर ज्यादा आते थे। लेकिन फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई। कई बार क्या होता था कि हम किसी भी गजल आर्टिस्ट के साथ स्टेज पे बजा रहे हैं और प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बड़ा हिट हो रहा है प्रोग्राम, और हमें भी अप्रिसिएशन मिल रहा है स्टेज पे, जो हम छोटे छोटे पार्ट्स उसमें बजा रहे हैं, क्लैप हो रहा है उसमें हमारे लिए भी,
लेकिन होता यह था कि अगले दिन अगर न्यूज़पेपर में रिव्यू आ रहा है उस कॉन्सर्ट का, तो चंदन दास जी ने ये गजल गाई, ऐसा किया, ये करा, वो करा, वो करा, वो करा, सब कुछ लिखा हुआ है, फोटो भी उनकी छपी हुई है, या कोई भी एक्स वाई जेड गजल आर्टिस्ट कोई भी हो, इवन गुलाम अली साहब हो, और उसके बाद में नीचे कहीं छोटा सा लिखा हुआ है कि वायलिन पे संगत कर रहे थे असगर हुसैन, तो वो इतना सारा और संगत वाले का काम इतना सा, जबकि हम स्टेज पे अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई कुछ ऐसा करो कि फोटो भी हमारी छपे और नाम भी हमारा छपे। तो उसके लिए 30 साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया कि अब दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट अगर मुझे अकम्पनीमेंट के लिए बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, अपने घर में बैठना पसंद करूंगा, रियाज करना पसंद करूंगा, अपनी तालीम को बढ़ाना पसंद करूंगा, लेकिन अकम्पनीमेंट नहीं करूंगा। तो कभी कभी मेरे गुरुजी उस्ताद वाले अहमद खान साहब गाते थे, तो वो मुझे कभी कभी कहते थे भाई अगर तेरा दिल चाहे तो मेरे साथ बैठ जाए स्टेज पे। अब वो क्योंकि गुरु हैं तो उनको तो मना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और दूसरे ये कि वो क्लासिकली गा रहे हैं, तो उनके साथ कभी कभी, वेरी रेयर, मैं उनके साथ स्टेज पे एज एन अकंपनीस्ट बैठता था। लेकिन पिछले 30 सालों में फिर मैंने अकंपनीमेंट किया नहीं, और मुझे फिर ऑफर भी आने बंद हो गए क्योंकि लोग समझ गए कि ये इनको बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे, ऑफर आने भी बंद हो गए। और अब मेरी जो पहचान है वो एक सोलो क्लासिकल वायलिनिस्ट की पहचान, ये पेपर में सवाल आता है मुझे तो मेरे लिए आता है, फोटो छपती है मेरी छपती है, जो मैं चाहता था वो अल्लाह ने किया। मैंने ये सवाल पूछा ही इसीलिए था क्योंकि कई बार ये चर्चा होती है कि फला इंस्ट्रूमेंट जो है वो सोलो के लिए बना है या संगत के लिए बना है। तबले को लेकर भी ऐसी चर्चा होती है। आजकल महाराष्ट्र में बहुत से अच्छे कलाकार हारमोनियम को लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी भी कोशिश यही है जी कि बिल्कुल, हारमोनियम सोलो बजना शुरू हो। ये सवाल जी जी पूछने का जी मकसद ही यही था मेरा कि आपके जवाब से जो कलाकार जी इस इंटरव्यू को देखे उनको समझ में आए कि ये फैसला करना मुश्किल जरूर होता है क्योंकि बहुत मुश्किल अचानक है। आपके पास कार्यक्रम आने बंद हो जाते हैं और नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि वो सोर्स ऑफ इनकम है वही वही और हम वही अपनी वही सोर्स ऑफ इनकम को बंद कर रहे हैं खुद अपनी पसंद से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर नए रास्ते खुलते हैं और फिर वो नए रास्ते हाँ ऐसे जी खुलते हैं कि प्रधानमंत्री के यहाँ से भी नहीं होता आ जाता है कि आइए साहब जरा हमें वायलिन सुना के बिल्कुल जाइए। बिल्कुल, मैं बड़ा लकी रहा इस मामले में कि 2018 में रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, तो मुझे प्रधानमंत्री जी की तरफ से न्योता आया था परफॉर्मेंस के लिए। तो तकरीबन 1.25 घंटा परफॉर्मेंस मेरा हुआ प्रधानमंत्री जी के सामने सोलो, और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब भी बैठे थे और प्रधानमंत्री जी भी थे, और कुछ बहुत ही स्मॉल सी गैदरिंग थी जिसमें 20 लोग रशिया के थे डेलीगेशन और 20 हमारे इंडिया के थे डेलीगेशन के, तो 40 लोग थे, और वो परफॉर्मेंस मेरी जिंदगी का बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस। बल्कि उसमें एक और बात मुझे याद आई मैं वही छोटी पूछने सी। जा रहा था जी, पता नहीं है। आप पूछिए नहीं पहले। नहीं वो बड़ा दिलचस्प संवाद भी हुआ था आपका उनसे। जी, हुआ क्या कि स्टेज से बहुत नजदीक ही प्रधानमंत्री जी की टेबल लगी हुई थी, तो जी उन्होंने बजाते बजाते मुझे हाथ से ऐसे रोकने का इशारा किया, ऐसे मैं घबरा गया कि यार ये प्रधानमंत्री जी मुझे रोक रहे हैं, कहीं मुझसे गलत तो नहीं बज गया कुछ, तो मैं रुक गया। मैंने कहा जी सर बताएं कि, अरे खान साहब, मोदी जी ने कहा, अरे खान साहब क्या आपको वो भजन आता है वैष्णव जन? मैंने कहा सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। कहने की नहीं आप कोशिश नहीं करें, हमें मालूम है आप जरूर अच्छा बजाएंगे, थोड़ा सा बजाइए। तो फिर मैंने उनके फरमाइश पे, उनकी रिक्वेस्ट पे वो भजन बजाया। मैं भजन बजा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला अपना, और उसमें उन्होंने कोई चीज सर्च की, कोई वीडियो निकला, वो वीडियो उन्होंने पुतिन जी की तरफ कर दिया कि आप देखिए।
एक रशियन फीमेल आर्टिस्ट उस भजन को गा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको बताया कि देखिए ये आपकी कंट्री के आर्टिस्ट हैं और ये हमारा भजन गा रही हैं और ये भजन ये बजा रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही ऐसा समय है जिसको मैं शायद जिंदगी भर भूल नहीं सकता कि इतनी हाई लेवल डिग्निटीज के सामने इस ढंग से मेरा परफॉर्मेंस हुआ और फिर उनकी रिक्वेस्ट पे मैं कुछ बजा भी पाया। बिल्कुल ये बिल्कुल जब भी मुमकिन हो सका, जब मैंने अपनी पहचान एज ए सोलोइस्ट बना ली, अकम्पनीमेंट में शायद ये इस किस्म के नेवते आने या इस किस्म के चांसेस मिलना बड़ा मुश्किल। और उस्ताद जी ये भी बताइए कि अब जो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब सोलो आप बजा रहे होते हैं और सामने से फरमाइश आती है, मतलब जब आप अभी राग यमन का आपने जिक्र किया, कोई भी राग ले लेते हैं, राग झंझोटी ले लीजिए, यमन ले लीजिए, कोई भी राग ले लीजिए, और फिर जी उसमें जी जी कोई अगर कहता है कि थोड़ा ठुमरी भी बजा के सुना दीजिए, तो जी मजा सा आ जाता होगा, लगता होगा कि जो जो मेहनत की थी कि मतलब सिर्फ यही नहीं सीखना है, उसका जो सेमी क्लासिकल है वो भी सीखना है, लाइट भी बजाना बिल्कुल है, बिल्कुल उस वक्त जो बिल्कुल बिल्कुल वैरायटी सब सीखी थी वो अब काम आ जी रही है। जी जी वो अब काम आती है। बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज जो आपने प्रॉपर वे में कर रखी है वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी ही आएगी। तो जब मैं ठुमरी बजाया करता हूँ, अक्सर पहाड़ी ठुमरी की बहुत फरमाइश आती है मेरे पास कि जी थोड़ा सा पहाड़ी जरूर सुनाइए, तो उस समय मैं पहाड़ी को जब बजाता हूँ ठुमरी अंग बना के उसको उस ढंग से पेश करता हूँ और कहीं फिर उसमें मैं बाद में थोड़ा सा वेस्टर्न टच भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वेस्टर्न टेक्निक में कॉर्ड सिस्टम होता है जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में नहीं होता। लेकिन जब हम प्योर क्लासिकल बजा रहे हैं उस समय हम कॉर्ड्स नहीं बजा सकते क्योंकि वो वर्जित है, वो राग को खराब कर देगा। लेकिन जब हम ठुमरी बजा रहे हैं तो ठुमरी क्योंकि लाइट अंग का ही एक हिस्सा है इसलिए उसको सेमी क्लासिकल कहा जाता है, जी तो उसमें फिर मैं वो ठुमरी बजाते बजाते कभी कभी कुछ कॉर्ड्स भी दिखाया करता हूँ तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है। अभी लास्ट ईयर मैं हरिवल्लभ संगीत समारोह जो कि जलंधर में होता है पिछले 150 सालों से, जी 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 उसमें मेरा परफॉर्मेंस था, तो मैं ग्रीन रूम में बैठा हुआ था तो जो वहां के कुछ कलाकार लोग थे वो आ गए मुझसे मिलने के लिए, ऐसी बातचीत चल रही थी। तो खान साहब क्या राग बजाएंगे आप? मैंने कहा भाई देखो मेरा विचार हो रहा है सरस्वती शायद बजाऊंगा। अच्छा, कहने लगे सर राग तो कुछ भी बजाइए लेकिन पहाड़ी जरूर सुनाइएगा। मतलब ये ग्रीन रूम में पहले ही उन्होंने पक्का कर लिया मुझसे कि जी राग तो आप कोई भी बजाइए लेकिन पहाड़ी जरूर सुनाइएगा। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या खास बात है? या नहीं सर, जब आप पहाड़ी बजाते हैं तो उसमें आप कई रंग दिखाते हैं, वो हमें बड़ा मजा आता है, तो प्लीज हम कहते हैं हम तो खास तौर पर पहाड़ी सुनने के लिए। कई लोगों ने मुझे कहा, तो मैं पहले सरस्वती बजाया तकरीबन कोई 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट और उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट पहाड़ी भी बजाया। और हरिवल्लभ में आप ये समझिए कि ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ह्यूज क्राउड होता है। पहले तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन ओपन में हुआ करता था जी जी लेकिन जी अभी लास्ट ईयर से हरिवल्लभ ऑडिटोरियम में होने लगा है, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 4-4.5 हजार आदमी आता है और नीचे जमीन पे बैठ के लोग सुनते हैं। हरिवल्लभ का ये शुरू से ट्रेंड रहा है कि गद्दे लेके बिछा दिए जाते हैं और लोग अपने घरों से कंबल और रजाइयां लेके आ जाते हैं क्योंकि वो सारी रात चलता है, लोग सुनते हैं उसको। तो मैं पहाड़ी बजाया वहां पे और बाद में फिर बहुत लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया कि जी पहाड़ी हमने बहुत लोगों से सुनी है लेकिन आपका कुछ रंग अलग था। बैठे हुए हैं लेकिन वायलिन है, थोड़ा सा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी है ये, तो कुछ कॉर्ड्स का एक अंदाज पेश करने की कोशिश करता हूँ। और अमिता जी, आप तो खुद बहुत अच्छा वायलिन बजाती हैं, आप ये बारीक की समझ सकती हैं, हमारे वायलिन भाई उस्ताद लोग बैठे हुए सारे के सारे।
इत्तेफाक की बात, पहाड़ी से जुड़ी हुई एक और बात, मैं बजा रहा था वो तिरंगी सारी हमारी चुनरिया रे, पहाड़ी का बड़ा मशहूर दादरा है। तो जी नेक्स्ट डे कौशिकी चक्रवर्ती जी का गाना था, उसमें इत्तेफाक से उन्होंने भी वही गाया, पहाड़ी तिरंगी सारी चुनरिया। तो कई बार ऐसे कोइंसिडेंस हो जाते हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा हो पाए हमसे। नहीं, आप लगातार, मैंने वही कहा ना कि लगातार आपने जो ये एक्सपेरिमेंट्स कह लें या जो ये तालीम की खास वो थी कि वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल दोनों सीखा आपने, उस वजह से श्रोताओं का आनंद कई गुना बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस्ताद जी, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार पुनः जी इस बात के लिए शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही जो आपकी ये खुशबू है वो और बिखेरते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर मैं हाजिर हूँ। आप जरूर बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते।